यूपी के सीतापुर में नगर पंचायत की बैठक में दो पार्षदों के बीच मारपीट, अफसरों की मौजूदगी में जमकर हुआ हंगामा। पंजाब के गुरदासपुर में स्टेज पर बैठने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेसी विधायक ने कांग्रेस सेवा दल के जिला प्रधान को जड़ा थप्पड़, महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा, इंजीनियर राशिद को जबरन सदन से बाहर निकाला गया। एमसीडी को फंड जारी करने की मांग को लेकर दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन, तीनों मेयर भी शामिल। नोएडा में बिल्डरों की मनमानी से परेशान, फ्लैट मालिकों का प्रदर्शन, बिल्डरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पटना में बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथि बदलने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का हंगामा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। ओबीसी शिक्षकों को सीधी भर्ती में सभी पदों पर आरक्षण की मांग को लेकर जेएनयू छात्र संगठन का यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों का जम्मू में प्रदर्शन, केंद्र सरकार के वादा खिलाफी का लगाया आरोप। करौली में चार दिन से पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर जा रहे ट्रक में लगी आग, दमकल की गाड़ी पहुंचने तक ट्रक जलकर खाक। हरदोई में रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई बेकाबू कार, हादसे में दो युवक भी रूप से घायल। गाजियाबाद में बिजली के तार हटाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की लाठी और रॉड से पीट पीट कर हत्या, सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के साथ यूपी में भी आरक्षण को लेकर जाटों ने खोला मोर्चा, मुजफ्फरनगर में हाईवे किनारे दिया धरना। कानपुर में प्लास्टिक की कुर्सी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बुलंदशहर के खुर्जा में दो गुटों में मारपीट के बाद थाने में हंगामा, एक शख्स ने खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताकर इंस्पेक्टर को थाने में धमकाया, मुख्यमंत्री से बोलकर तबादले की धमकी। अलीगढ़ में बीएचपी की ओर से शौर्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, छात्राओं को आत्मरक्षा की दी गई ट्रेनिंग। वाराणसी में पानी की किल्लत को लेकर लोगों के साथ धरने पर बैठी विधायक, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। लखीमपुर खीरी में जेल में कैदी की मौत से अड़कम, परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई मौत। एटा में पुलिस पर भारी पड़े बदमाश, दो जेब कतरों को थाने में ले जा रही पुलिस ने, पर उसके साथियों ने बोला हमला, एक साथी को छुड़ाया, हमले में एक पुलिसकर्मी घायल। सूखाग्रस्त हमीरपुर में एक शख्स ने अकेले अपने दम पर 18 फीट गहरे तालाब की खुदाई की, ग्रामीणों को मिलेगा पानी। बुलंदशहर में प्रसव के दौरान महिला और बच्चे की मौत पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, शव लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुजफ्फरनगर में एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, चालक फरार, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। आसाराम यौन शोषण केस में पीड़ित परिवार ने यूपी छोड़ने का किया फैसला, सहारनपुर में पीड़ित के पिता ने कहा हम यूपी में सुरक्षित नहीं। सहारनपुर में आर्थिक तंगी के चलते एक महिला ने दो बच्चों को जहर देकर मौत की नींद सुलाया, बाद में खुद भी खाया जहर, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर। अमरोहा में इंजीनियरिंग के छात्र ने बैटरी से चलने वाली गाड़ी तैयार की, मॉडल मोबाइल से घर बैठे ऑपरेट करने का दावा। बिहार टॉपर्स घोटाले में तेज हुई पुलिस की कार्रवाई, प्रिंसिपल शैल कुमारी समेत चार आरोपी हिरासत में, विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह का इस्तीफा। जीए इंटर स्कूल की प्रिंसिपल शैल कुमारी को पटना से अपने साथ हाजीपुर पहुंची एसआईटी की टीम लेकर, यहां थी विष्णु रॉय कॉलेज की परीक्षा केंद्र। एसआईटी टीम का पटना में राजेंद्र नगर बॉयज हाई स्कूल पर छापा, विष्णु रॉय कॉलेज की कॉपियों की यहीं हुई थी जांच। बिहार पुलिस ने चार फर्जी टॉपर छात्रों को थमाया नोटिस, घर से गायब 8 टॉपर, रूबी राय के दरवाजे पर चस्पा किया नोटिस। टॉपर्स घोटाले में नया खुलासा, सौरभ शेष की जगह विष्णु राय कॉलेज के डायरेक्टर, बच्चा राय की बेटी शालिनी थी साइंस टॉपर, विवादों से बचने के लिए सार्वजनिक नहीं किया नाम। बिहार में शराबबंदी का नहीं दिख रहा असर, कटिहार में जिला साक्षरता कार्यालय में नशे में धुत मिला क्लर्क, अलमारी से शराब बरामद होने के बाद गिरफ्तारी। सासाराम में खनन माफियाओं पर शिकंजा, 50 से ज्यादा स्टोन क्रशर मशीनों को ध्वस्त किया, छापेमारी के दौरान शराब भी बरामद। मोकामाटाल इलाके में नील गायों का आतंक, फसल बर्बाद होने के बाद किसानों नील गायों को मारने के लिए खुद बनाई सेना। दरभंगा में हैरान कर देने वाली घटना, घर वालों ने जिसे अपनी बेटी समझकर अंतिम संस्कार किया वो जिंदा निकली, 10वीं में फेल होने पर खुदकुशी की बात कह घर से निकली थी, बाद में रचाई शादी। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर एक बोलेरो से 15 लाख के जाली नोट बरामद, चार लोग गिरफ्तार। भरतपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग से हड़कंप, लाखों का माल जलकर खाक। अलवर में बाइक पर जा रहे दंपत्ति से लूटपाट, बदमाशों के हमले में महिला की मौत, पति बुरी तरह घायल।
झालावाड़ में सड़क पर जा रहे शख्स पर बैल ने किया हमला, पत्थर पर गिरने से युवक को लगी गहरी चोट, अस्पताल में दौड़ा दम। अलवर में पारिवारिक कलह के चलते महिला ने की खुदकुशी, जहर खाकर दी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर में गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर गुरुवार में लंगर का आयोजन, बीएसएफ जवानों ने ठंडे पानी से राहगीरों की बुझाई प्यास। बीकानेर के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का आज आठवां दिन, डॉक्टरों से नाराज बीजेपी के लोग अनशन पर बैठे। भरतपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला ने अस्पताल परिसर में बच्चे को दिया जन्म, परिजनों का आरोप, अस्पताल में समय रहते नहीं क्या भर्ती। जयपुर के कोटपुतली के पास हाईवे पर बस और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में चार धाम की यात्रा से लौट रहे 23 श्रद्धालु घायल। धौलपुर में यूपी रोडवेज और एमपी रोडवेज की बसों में टक्कर, हादसे में दो लोगों की मौत, दो लोग घायल। पाली में शराब के नशे में सड़क पर आतंक मचाने वाले 7 बदमाश गिरफ्तार, बाइक पर निकले बदमाशों ने लाठी और शराब की बोतलों से राहगीरों को बनाया था निशाना। राजस्थान के कोटपुतली में 3 दिन पहले महिला की हत्या में पति के साथ उसकी बहन गिरफ्तार, जीजा साली के अवैध संबंधों में बाधा बन रही थी महिला। मेवात में अस्पताल में भर्ती महिला मरीज से गैंग रेप, वार्ड बॉय और गार्ड पर लगा आरोप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुड़गांव में इफको चौक फ्लाईओवर पर ट्रक और टाटा 407 में टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 1 बुरी तरह घायल। गुड़गांव में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, बच्ची के शोर मचाने पर पकड़ा गया आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में महिला पत्रकार पूजा तिवारी मौत में एफएसएल रिपोर्ट में हुआ खुलासा, सुसाइड नोट में लिखी राइटिंग पूजा तिवारी की। दिल्ली के किडनी रैकेट में गिरफ्तार टी राजकुमार राव की नॉर्थ 24 परगना कोर्ट में पेशी, मंगलवार रात हुई थी गिरफ्तारी। दक्षिण 24 परगना में ट्रेन से कटकर युवक की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया। मालदा में 5,000 रुपए चुकाने के आरोप में रिश्तेदार ने 10वीं के छात्रा की जमकर की पिटाई, बाद में छात्र ने की खुदकुशी। वर्धमान में जंगली हाथी का आतंक, रिहायशी इलाके में घुसकर 2 लोगों पर किया हमला, वन विभाग ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू में किया। मालदा में शराब पीने से टोकने पर एक शख्स ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, घटना के बाद से फरार। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में नेशनल हाईवे पर 2 बसों की भिड़ंत, हादसे में एक शख्स बुरी तरह घायल। गोड्डा में मिड डे मील खाने से 184 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती 16 बच्चों की हालत गंभीर। जमशेदपुर में एक महिला से दिन दहाड़े 6 लाख की लूट, बैंक से पैसा निकालकर घर जा रही थी महिला, लुटेरों का नहीं मिला कोई सुराग। देवघर नगर निगम दफ्तर में पुलिस के सामने सफाई कर्मियों ने की संवेदक की पिटाई, उप महापौर समेत 50 लोगों पर मामला दर्ज। मुंबई से जमशेदपुर पहुंचे टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता ने कहा, इंसाफ नहीं मिलने पर हम सरकार से क्षमा मृत्यु की मांग करेंगे। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ कैंप पर नक्सलियों की फायरिंग में एक जवान शहीद, जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली फरार। जैशपुर में पेशी के दौरान डबल मर्डर का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार, कोरबा जिला जेल में बंद। रायगढ़ के सूर्य विहार इलाके में एक ही रात में 3 घरों में डाका, लाखों के जेवर और कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। मथुरा हिंसा का मास्टरमाइंड राम वृक्ष के नक्सली कनेक्शन पर छत्तीसगढ़ पुलिस को यूपी पुलिस के डोजियर का इंतजार, डीजीपी नक्सल ऑपरेशन ने कहा आधिकारिक जानकारी मिलने पर कार्रवाई। नक्सलियों ने जनपितूरी सप्ताह के चलते बस्तर से विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द की, 11 जून तक रात को नहीं चलेंगी ट्रेनें। बैतूल में पानी के लिए बहा खून, घर में पानी नहीं आने पर एक शख्स ने नगरपालिका के कर्मचारी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की भोपाल में आर्थिक अपराध ब्यूरो के सामने पेशी, कहा बदले की भावना से कार्रवाई। राजस्थान के बाड़मेर में 800 रुपए घूस लेते पकड़ा गया कृषि विभाग का सुपरवाइजर, सब्सिडी दिलाने के नाम पर किसान से ली थी रिश्वत। धौलपुर में कोर्ट परिसर में 2 सगे भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच मारपीट, पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। दिल्ली में गिरफ्तार 2 गैंगस्टर के पास से मिली यूएस आर्मी की ऑटोमेटिक पिस्तौल, विदेशी लेजर पिस्तौल भी बराबर। गुरदासपुर में गन्ना किसानों के भुगतान की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल। पठानकोट में नेशनल हाईवे पर गैस टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत।
फिरोजपुर में कर्ज से परेशान 23 साल के युवा किसान ने की खुदकुशी, किसान पड़ता करीब 6 लाख का कर्ज। रमजान पर अमृतसर जेल में रोजा रख रहे कैदियों के लिए जेल प्रशासन ने किए खास इंतजाम, खाने पीने का विशेष ख्याल। दिल्ली के गाजीपुर में क्राइम ब्रांच के अफसर बता करे कैशियर से लूटे 33 लाख रुपए, ऑटो से चांदनी चौक जा रहा था कैशियर। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सर्जरी के जरिए लंबाई बढ़ाने का सपना दिखाना पड़ा महंगा, ऑपरेशन के बाद 2 महीने से बिस्तर पर, घर वालों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चेन्नई में आरटीआई कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या, पुलिस सीसीटीवी के जरिए हत्यारों की तलाश में जुटी। चेन्नई में मूर्ति चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चोरों से बरामद मूर्तियों की जांच में जुटी एएसआई की टीम। हैदराबाद की फातिमा के पायलट बनने का सपना अभी भी अधूरा, तेलंगाना के सीएम ने 35 लाख देने का किया था ऐलान लेकिन नहीं मिली मदद। केरल के तिरुवनंतपुरम समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, 9 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। गुरदास कामत के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर उनके समर्थक नाराज, मुंबई में कांग्रेस दफ्तर के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन, सोनिया से इस्तीफा मंजूर नहीं करने की मांग की। मुंबई के माटुंगा में 3 मंजिला इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत, मृतकों की अब तक पहचान नहीं। बुलढाणा में एसबीआई की शाखा में सांप दिखने से हड़कंप, 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ में आया। पुणे में पीएम की पहल से 6 साल की बच्ची की मुफ्त हुई सर्जरी, वैशाली जाधव ने हार्ट सर्जरी के लिए खत लिखकर मोदी से मांगी थी मदद। आज जिम्बाब्वे के दौरे पर रवाना हुई टीम इंडिया, दौरे पर 3 वनडे और 2 T20 मुकाबले। सूरत में एनआईए का अफसर बनकर लोगों पर धौस जमाने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी पंजाब के मोगा का रहने वाला। दिल्ली के लाजपत नगर में चाइल्ड होम में 6 बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में सुप्रिंटेंडेंट गिरफ्तार, 2 जून की वारदात। गुजरात के वेरावल में बीमा अधिकारी के दिनदहाड़े चाकू से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली मेट्रो में एक शख्स के बैग से 25 लाख के गहने चुराने वाली महिला चोर, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तारी। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में लैपटॉप शोरूम में लाखों की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सेंसर बोर्ड सुधार समिति के अध्यक्ष श्याम बेनेगल ने उड़ता पंजाब फिल्म को दी क्लीन चिट, फिल्म देखने के बाद बोले तकनीकी तौर पर अच्छी फिल्म। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा उड़ता पंजाब विवाद पर पूरी जानकारी नहीं लेकिन क्रिएटिविटी जिंदा रहनी चाहिए। को प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप ने कहा जानबूझकर फिल्म को पास करने में देरी, एक आदमी पूरे देश की नैतिकता कैसे तय कर सकता है। सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निलानी का बयान, फिल्म को लेकर बेवजह विवाद किया जा रहा है। महेश भट्ट समेत कई दिग्गज उड़ता पंजाब के समर्थन में उतरे, सेंसर बोर्ड के प्रति जताई नाराजगी। जोशीमठ में सुराई थोटा के पास पुल हुआ धड़ाम, गहरी खाई में गिरा ट्रक, पुल टूटने से आवाजाही पूरी तरह ठप। शिमला में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में भारी गिरावट। दिल्ली के जाफराबाद में कई फैक्ट्रियों में छापा, एनजीओ की मदद से 17 बाल मजदूरों को आजाद कराया गया। दिल्ली के मयूर विहार में अपार्टमेंट के बाहर से इनोवा लेकर फरार हुए चोर, स्विफ्ट में आए चोर सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 16 में 50 साल के शख्स के घर के अंदर मिला शव, दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी थी सूचना।